हिंदुओं के अंदर भी एक कोई ऐसा वर्ग है जिसने एक साथ होकर मिल के मुसलमानों का साथ देकर भाजपा को हराया। जो भाजपा को पसंद नहीं करता उसने वोट 100% दूसरों को दिया है। हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है, हिंदू हिंदू नहीं, मुसलमान के घर में मुसलमान जन्म लेता है। वहां पर गुंडा राज था, माफिया राज था, हर तरीके का माफिया खत्म कर दिया। खंडूर साहब में सिखों ने एक होके वोट दिया और जेल में बैठे आदमी को भी जिता दिया, और अयोध्या में हिंदू एक नहीं हो पाया तो भी मोदी जी हार गए। ये समझने वाली बात है कि जब जब धर्म एक होता है तो जेल में बैठा प्राणी भी बाहर आने की तैयारी कर जाता है। मैं तो सल्यूट करता हूँ सिखों को कि उन्होंने मिलके अपने आप को साबित किया है कि जब सिखी एक होती है तो फिर कुछ भी गजब हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बेशक बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन इस दौरान देश में चर्चा का विषय बनी अयोध्या सीट जो बीजेपी हार गई, और उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर कयास लगाए गए, तमाम अपने अपने लोग बयानबाजी कर रहे हैं, और भारत के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल भी अपनी बात कहते नजर आए कि अयोध्या को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। कन्हैया मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया जी, आपका एक गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मुझे लगता है कि योगी जी स्टेज पर जब प्रचार करते थे हमने देखा भी, कैंडिडेट के अलावा वो आपका नाम लेते थे, लेकिन अब अयोध्या सीट हार गए और उसके बाद अयोध्या चर्चा का विषय बन गई। आपके पास भी एक वीडियो काफी आए, आपने खुद कहा कि राजनीति का खड़ा ना बनाए, लोगों ने कहा कि अयोध्या में राम को ये कौन होते हैं लाने वाले। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय श्री राम और अयोध्या नगरी की जय। पहली बात तो जो गीत हमने गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नवंबर 2021 से ही इस गीत के कारण मैं ट्रोल होता है, लोगों के अभद्र कमेंट्स भी मैंने सहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है कि भगवान अपने भक्तों को सानिध्य देते हैं। केवट जिन्होंने दशरथ के पुत्र राम को, राजा के बेटे को, नदी पार करवाई अपनी नैया में, आज लोग कहते हैं कि केवट ने राम को पार लगाया। दुनिया के मालिक को कोई कैसे पार लगा सकता है, ये भी बात समझने वाली है। लेकिन भगवान ने सानिध्य दिया केवट को, इसलिए आज ये कहा जाता है कि केवट ने राम जी को पार लगा दिया जो सारी दुनिया को पार लगा दिया। मैंने जो गीत गाया वो इसीलिए गाया कि देश के अंदर दशकों से सरकारें रही लेकिन कोई राम जी को तंबू से महलों में नहीं लेकर गया। तो मैंने उसी के ऊपर ये गीत प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए गाया, योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने का मतलब ये है, जो लोग नवरात्रों में दुर्गा माँ बिठाते हैं, गणपति विसर्जन होता तो क्या कहते हैं, गणपति लाए हैं, तो गणपति को कौन ला सकता है, हर कोई कहता है, पूरे देश के अंदर यही बात उठती है गणपति को लाए हैं। 150 रुपये का गणपति जब तक ज़मीन पर बिक रहा होता है वो 150 का होता है, लेकिन जब जैसे ही वो घर में आता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा सी हो जाती है और लोग यही कहते हैं हम गणपति लाए हैं, तुम गणपति लाए हो क्या। तो जो बातें कवि के नज़रिए से, जो साधारण बात चलती है, वही बात हमने गीत के जरिए गाया और लोगों के जहन में वो बैठ गया, क्योंकि सीधी सी बात थी, 100 बात कहने से बढ़िया एक ही बात थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उसका लोगों ने, जो विपक्षी पार्टी के लोग थे, उन्होंने इसका दुष्प्रचार किया कि ये राम को लाने वाले कौन होते हैं, ये भगवान से भी बड़े हो गए क्या, बड़े बड़े नेताओं ने देश के, मैं तो हैरान था। आपको सुरक्षा भी सी कि मैं तो छोटा सा आदमी हूँ और मेरी बात को देश के इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं अपनी जुबान से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गीत गा रहे हैं भाजपा वाले। मैं सीधी सी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक सनातनियों के दिल की बात को गाया लिखा, और ये भगवान की कृपा ही कहूँगा कि 22 में गाया हुआ भजन 24 में भी चला, और जितना 22 में नहीं चला उससे 24 में चला। कभी ऐसा नहीं होता कि एक गीत आपने गाया है वो एक टर्म के लिए चलता है, दोबारा फिर वो टर्म के लिए नहीं चलता, लेकिन ये दोनों टर्म में चला और लोगों ने, मुझे लगता है बहुत इस गीत का बहुत फर्क भी पड़ा है, लोग जागरूक भी हुए हैं। और बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में मैं उस पे आऊंगा कि जो गीत की तो चलो बहुत हुआ, अब कह रहे हैं कि अयोध्या हार गए जहां राम को लाए गए, तो वो अयोध्या, आप अयोध्या भी जाके आए हैं, आपने अयोध्या की नगरी का भ्रमण भी किया है, आपने अयोध्या को देखा भी है, तो लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या में ही हार गई बीजेपी, देश की चर्चा का विषय अयोध्या बन गई। देखिए, अयोध्या को अगर देखा जाए तो अयोध्या विधानसभा अलग है, लोकसभा के अंदर अयोध्या के अलावा और फैजाबाद भी आता है और भी कई जगह आती है,
और जो आप देखेंगे उसकी कि वोट जो पड़ा है अयोध्या का सबसे ज़्यादा पड़ा है, जो अयोध्या रीजन का वोट जो भाजपा को पड़ा है वो सबसे ज़्यादा पड़ा है, बाकी इलाकों का नहीं पड़ा हो सकता। लेकिन उसके एवज में अयोध्या को बोलना या अयोध्या वासियों को कुछ बोलना, मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। हमारे देश के अंदर अयोध्या राम की थी, राम की है, राम की रहेगी, उसको कोई राम जी से जुदा नहीं कर सकता। मैं देख रहा था एक बात और चली कि अयोध्या जाएं तो अपने घर से प्रसाद लेकर जाएं, ट्रेन से उतरें और दर्शन करें और वापस आ जाएं, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ दें, वहाँ से कुछ ना खरीदें, वहाँ कुछ ना। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये मुझे लगता है किसी धर्म विरोधियों की सोची हुई चाल है जिसके अंदर कोई भी सनातनी ना आए। अयोध्या जैसी थी वैसी ही है, राजनीति होती रहती है, सरकारें बनती हैं जाती हैं, लेकिन राम इस देश के थे, हैं, रहेंगे। यूपी में बीजेपी की सीटों से झटका जहां बीजेपी को लगा, एनडी को लगा, आपको भी लगा, आपने तो पूरा यूपी में देखा है, आप तो स्टेट गेस्ट भी रहे वहां। नहीं, मुझे, मैं खुद अचंभित हूँ इस बात से कि जिस अयोध्या में राम सेवकों पर गोली चलाई गई और उसी लोकसभा को, क्योंकि अयोध्या लोकसभा बस्ती है वो, और सिर्फ अगर एयरपोर्ट बना है तो सिर्फ वो अयोध्या के लिए नहीं बना ना, आसपास के 200-250 किलोमीटर उसमें कवर होता है, ट्रेनें चली है, आर्थिक सहायता है तो वो 100 किलोमीटर तक के एरिया को मिलेगी, वहाँ की लैंड महंगी हो जाएगी, वहाँ के लोगों का जिस तरीके से 2-2.5 लाख लोग रोज आ रहे हैं, तो आर्थिक नज़रिए से भी अयोध्या ने बहुत प्रोग्रेस किया है। लेकिन मैं बड़ा अचंभित हूँ इस बात से कि जिस स्टेट के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से वहाँ पर गुंडा राज था, माफिया राज था, हर तरीके का माफिया ख़त्म कर दिया, उसके बाद भी जनता ये समझ नहीं पा रही कि हमने चुनना किसको है, तो ये बड़ी सोची। कारण क्या लगे आपको, क्या लगा इतना अचानक? कारण एक ही है कि जो भाजपा को पसंद नहीं करता उसने वोट 100% दूसरों को दिया है, और दूसरी बात हिंदुओं के अंदर भी एक कोई ऐसा वर्ग है जिसने एक साथ होके मिलके मुसलमानों का साथ देकर भाजपा को, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कई वीडियो ऐसे देखे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हिंदू जागृत, हिंदू कभी हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है, कोई और नहीं है। तो मैं खुल के कह रहा हूँ, और क्या, मुझे क्या शर्म है, ना कोई डर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हिंदू का दुश्मन ही हिंदू है, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बणियों में बटा है, हिंदू जाटों में बटा है, हिंदू गुजर में बटा है, वाल्मीकि में बटा है, यादव में बटा है, हिंदू हिंदू नहीं, मुसलमान के घर में मुसलमान जन्म लेता है, वो कहीं नहीं सोचते कि ये यादव है कि जाट, मुसलमान है कि क्या है, क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन जन्म लेता है, लेकिन हिंदू के घर में हिंदू जन्म नहीं लेता, हिंदू के घर में बढ़िया जन्म लेता है, हिंदू के घर में यादव जन्म लेता है। एक मेडल भी अगर मुसलमान जीत के लाए ना भारत के लिए तो कहेंगे हाँ वो लेकर आया है, लेकिन वो इंग्लैंड में मेडल जीतता है वहाँ तक तो भारत का रहता है, जैसे ही भारत में आता है वो किसी यादव का हो जाता है, किसी जाट का हो जाता है, किसी बढ़िए का हो जाता है। गौरव होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पंजाब ब, ये पंजाब जहाँ ब से ख़त्म हो रहा है वहीं बढ़िया, वाल्मीकि और ब्राह्मण ये सब एक ही तो हैं, कोई फर्क थोड़ी ना है, अगर सब मिलके काम करें तो सनातन की विजय और सनातन को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। हिंदू अलग सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी को अलग अलग सोच से वोट देने का भी अधिकार हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर हिंदू है या मुसलमान। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट एक साइड चली गई? नहीं, अगर काम ना किया हो तो आप दीजिए ना, अगर आपको लगता है कि अयोध्या में ट्रेनें नहीं चली, अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं बना, अयोध्या में कुछ भी नहीं हुआ, लोगों के साथ ज्यादती हुई, वहाँ राम मंदिर के नाम पर कुछ और लूट कसूट हुई है, तब आप कह सकते हैं कि नहीं हमने वोट जो दूसरे को दिया, जब सामने स्पष्ट दिख रहा है। और कैसे कोई आदमी हिंदुओं का बनेगा बताओ, और कैसे बनेगा, जिस तरीके से सनातन के ऊपर प्रहार होते गए, ये देश भारत की संस्कृति, इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है, इस देश के अंदर भारत को अगर विश्व में कहीं जाना जाता है तो हम पांव छूते हैं, और कहीं पर भी पांव छूने की व्यवस्था नहीं है, सब कोई नमस्ते बोलता है, कोई हेलो बोलता है, कोई कुछ करता है, सिर्फ भारत की संस्कृति है जहाँ पांव छुआ जाता है, और यही संस्कृति हमारी पहचान है, और वही संस्कृति के साथ हमने जब अयोध्या का विकास किया है, अयोध्या को आगे लेकर गए हैं, तो सनातनियों को क्यों नहीं समझ आता कि जो आदमी प्रधानमंत्री होते हुए भी एक ये सोच दिखा रहा है कि मैं अयोध्या के लिए हूँ, काशी विश्वनाथ का सांसद होकर भी प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए काम कर रहे हैं, वो काशी में ही करते, अयोध्या आने की क्या जरूरत थी उन्हें, लेकिन समझाने के लिए आ रहे हैं फिर भी हिंदू नहीं मानता, मुझे समझ नहीं आता ये कब मानेंगे कब जुटेंगे। मैं तो सरेआम कहता हूँ कि कंधों से ऊँची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाति का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे, कोई हो जाएगा क्या आपका।
पंजाब में आपके काफी प्रोग्राम हुए और कई ये आरोप या लगते रहे कि अचानक से इलेक्शन के दिनों में कन्हैया मित्तल पंजाब भर में अपने भजन अपने कीर्तनों के द्वारा हिंदू वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, और कई मुझे ये भी पता लगा कैंडिडेट्स दूसरे पार्टी के भी कैंडिडेट्स के फोन आए कि भैया आप ना, क्या ये सच है? मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये बात। बिल्कुल बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बता ही दीजिए किस किस के फोन आए कि भैया आप बताना कन्हैया मित्तल रहने देना यार। देखिए मुझे कोई डर नहीं है बताने में, लेकिन बात यह है कि मैं जो कार्य करता हूँ, मैं हिंदी गाने गाता होता, गंदे गाने गाता होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता होता, लेकिन भजन की गरिमा है, भजन सबके लिए होता है, और भजन को कोई सुनना ना चाहे तो वो भी भगवान का ही भगत है, क्या पता वो दान देने में धर्म पे भरोसा करता हो, भजन ना सुनने में भरोसा करता हो, सभी बराबर है। लेकिन विश्व सनातन सभा पंजाब की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया, मैंने वैसे ही छुट्टी ले रखी थी कि काम नहीं करूँगा 10 दिनों के लिए, 20 मई से लेकर 30 मई तक कि मैं आराम करूँगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है 23 तारीख का, तो मुझे थोड़ा सा जेट लैग का दिक्कत आएगी, तो फिर मैंने छुट्टी ले रखी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग पंजाब में कार्यक्रम करें, तो तब हमने डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा। मैंने 3 तारीखें उन्हें दी थी, 3 डेट्स दी थी, लेकिन लोगों का प्यार और हजूम देखते हुए, हर जगह के लोगों को जब पता लगा कि कन्हैया जी के पास समय है, तो सब ने वो बुकिंग करी। 17 को हम लोग संगरूर थे, 17 को हम लोग चिका थे हरियाणा में, 18 को संगरूर थे, 19 को बठिंडा थे, 20 को अमृतसर और पटियाला लुधियाना, ये सब लोग। और आपके जब कीर्तन होते थे तो मैंने कैंडिडेट भी वहाँ आते थे? नहीं, वो तो आएंगे ऑब्वियसली जो वहाँ पर कार्यक्रम होगा। अब हम लोग कोटकपूरा में कार्यक्रम था तो हंसराज हंस जी भी थे, करमजीत अनमोल जी भी थे, मैं क्षमा चाहूँगा उस दिन करमजीत अनमोल जी आए थे लेकिन मुझे नज़र नहीं आए, तब से मैं अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहा हूँ कि वो आए मुझे नज़र नहीं आए, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता। और भगवान, क्योंकि वो भी कलाकार है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी कलाकार आए तो हम उसका धन्यवाद करें। सारी पार्टीज़ के कैंडिडेट वहीं थे तो मैंने तो कभी किसी के साथ, किसने मना किसने किया कि कन्हैया जी आप मत आइए, आप रहने दीजिए? सारी पार्टियों ने किया, जहाँ जहाँ जिस तरफ गए, हमारे मित्र तो हर जगह ही हैं। नाम तो ले दिए पार्टियों का, अगर कैंडिडेट का नाम नहीं ले। मेरे मित्र कांग्रेस में भी हैं, मेरे मित्र आम आदमी पार्टी में भी हैं, मेरे मित्र अकाली में भी हैं, तो बहुत सारी जगह से, बठिंडा जब मैं गया तो बठिंडा से किसी अकाली नेता का फोन आया कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, मैं जलंधर गया तो आम आदमी पार्टी के का फोन आया, लुधियाना गया तो कांग्रेस का फोन आया, जो मैं समझ गया लुधियाना से तो चलता रहता। सब हमारे मित्र हैं, सब भाई हैं हमारे। तो और क्या कहा कि आप रहने दीजिए ध्यान रखना? नहीं, बिल्कुल यही कहा गया कि थोड़ा ध्यान रखना। इवन चन्नी जी भी हमारे दोस्त ही हैं, तो होता ही है कि आप भजन के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर लोग आएंगे तो हमारा नाम भी, हमारे बारे में भी आप चर्चा करें, तो वो कैसे हम लोग चर्चा कर सकते हैं? लेकिन वहाँ जहाँ राम जी की चर्चा हो रही है तो जो जो कार्य हुए हैं, मैंने तो हर जगह कहा कि राजा वड़िंग जी ने बसें चलवाई जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे खाटू श्याम जी के लिए, झिम्पा जी ने आम आदमी पार्टी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने चलाई। मेरे लिए सर्वोपरि सबसे आगे वही है जो हमारे धर्म के लिए काम करता है। मैं डॉक्टर होता तो किसी ने हॉस्पिटल बनाए होते तो मैं उनका नाम ले देता, मैं इंजीनियर होता किसी ने कॉलेज बनाए होते या फिर मशीनरी बनाई होती मैं उनका नाम ले देता, मैं भजन गाता हूँ साथ, धर्म से जुड़ा इंसान हूँ, जो मेरे धर्म के लिए आगे निकल सकेगा मैं डंके की चोट पे उसका नाम ले। खडूर साहब से अमृतपाल चुनाव जीत गए, कैसे देखते हैं? देखिए सीखने वाली बात है, जो बात अयोध्या की चल रही है वो खडूर साहब से कंपेयर होती है। खडूर साहब में सिखों ने एक होकर वोट दिया और जेल में बैठे आदमी को भी जिता दिया, और अयोध्या में हिंदू एक नहीं हो पाया तो भी मोदी जी हार गए। ये समझने वाली बात है कि जब जब धर्म एक होता है तो जेल में बैठा प्राणी भी बाहर आने की तैयारी कर जाता है, और जब जब हिंदू कटता है तो अन्नामलाई जैसा IPS भी हार जाता है सर। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें सनातनियों को समझना चाहिए। और अमृतपाल जब रहा तो उन्होंने अच्छा काम किया, जो धर्म को जोड़ने की बात करी उन्होंने, मैं तो खुद फैन रहा उनका साहब, मैंने तो कई इंटरव्यूज़ में भी कहा, हालांकि वो इंटरव्यू काट दिए लोगों ने, दिखाया नहीं, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जो धर्म को जोड़ने की बात कर रहा है, अपने धर्म को जोड़ने की बात करना गलत नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने सिखों को एक करने की बात करी, क्रिश्चियनिटी से थोड़ा सा हटके बात करी, मैं खुद उनकी इन बातों पर भरोसा करता हूँ और मानता हूँ। लेकिन जो वो गुरु साहब को लेकर ही चल पड़े तो उसके बहुत सारे एक तरीके हैं, उनके धर्म में व्यवस्था है, तो उसको देखकर कई सिख नाराज थे उनसे। लेकिन अभी जो देखने को आया है, मैं तो सल्यूट करता हूँ सिखों को कि उन्होंने मिलके अपने आप को साबित किया है कि जब सिखी एक होती है तो फिर कुछ भी गजब हो सकता है। कन्हैया जी आप सिचुएशन को देख के गाना लिख देते हैं,
अब जो हालात हुए हैं, आपने हिंदुओं को कहा कि हिंदू इकट्ठा नहीं हुए, कंपैरिजन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग किया खडूर साहब से अयोध्या का, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया, क्या कोई गाना दिमाग में आया हिंदुओं को? बिल्कुल आया है और मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा भी और उसको आप सबको सुनने को मिलेगा। मैं अभी आपने मुझे दिया तो मैं भी लिख देता हूँ। ये हमने गाया भी था, वही सुना। भगवा जान है मेरी, मुझको भगवा प्यारा, इस भगवे पे मैंने अपना तन मन वारा। कब तक जातियों में यूं ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे कैसे कट्टर हिंदू हम कहलाएंगे, ऐसे कैसे कट्टर हिंदू हम कहलाएंगे। अब तक जातियों में हम सब बढ़ते आए हैं, हम तो ब्राह्मण बनिया धोबी तेली नाई हैं। कब तक जातियों में यूं ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे कैसे मिलके भगवा हम लहराएंगे, ऐसे कैसे मिलके भगवा हम लहराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया, थैंक यू, जय श्री। तो ये थे कन्हैया मित्तल और खुल के अपनी बात कही कि हिंदू वोट, हिंदू जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हुए, और सिखों से एग्जाम्पल लेना चाहिए जिन्होंने खडूर साहब में अमृतपाल सिंह को जिताया और कहा कि मेरी सारी पार्टियों में दोस्त हैं। अब आगे क्या नया गाना होगा और किस सिचुएशन पे होगा वो जरूर होगा, लेकिन अपनी बात को इन्होंने बड़े तरीके से और बड़े अपने अंदाज में रखा। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।